गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपका मैथ का टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है कि कैसे हम सम और प्रोडक्ट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको दो नंबर गिवन है एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इनकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, इसके लिए एक मेथड है जिसको एनसीईआरटी में गिवन है। मान लीजिए जैसे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और ये है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1। ठीक है, तो इस मेथड में आपको करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ही नंबर्स के, देखेंगे यहाँ पे जो है दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पे भी जो है डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी पहले हमें क्या करना है, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर 4 है, जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पे है 1, तो 1 की किससे मैं डिक्लेयर करूँ, अब हमें यहाँ पे तो 4 है तो हमें यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो सी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 4/4। तो जब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, जब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए इसका मतलब है कि ए की वैल्यू तो हो गई हमारी 4। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू हो गई 1, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जो है उस तरफ चला जाएगा, ये जाएगा माइनस 1। ठीक है, और सेम उसी तरीके से सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। जब आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जब आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ए बी और सी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी और सी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आप बहुत सिंपल है, आपके पास ए की भी वैल्यू है, बी की भी है और सी की भी, आप तीनों को इसमें इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है माइनस 1 x प्लस c की वैल्यू है माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपसे पूछा गया था वो आ गई है 4x square minus x minus 4 equals to 0। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो उसको हम कर सकते हैं। एक बार मैं फिर स्टेप रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दोनों के ही सम और प्रोडक्ट के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू वहां से इजिली उठा सकते हैं, तीनों की वैल्यू में वहां से मिल जाएगी। जब तीनों की वैल्यू मिल जाएगी उसको जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी।